Hey guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. I am Rahul from Lucknow. Guys, आप लोग कैसे हैं? I hope अच्छे होंगे. तो दोस्तों, मेरी चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती हैं, ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड और सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारियाँ मैं देता रहता हूँ. तो दोस्तों, आज हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. अक्सर लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, छोटी सी गलती से उनको काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपकी कार के टायरों को कैसे मेंटेन रखना है, अपनी कार के टायरों को कैसे मेंटेन रखना है, कब कब हमें टायरों को अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग वगैरह ये कब कराना चाहिए, जिससे कि हमारे टायरों की लाइफ बनी रहे, लॉन्ग टाइम तक चल सके. तो दोस्तों, आज उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका हर दिन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. और हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग मिलता है. तो मेरी जो कार है सेंट्रो जिंग पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक हुंडई की, इसमें दो दिन से मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि एक साइड को मेरी गाड़ी भाग रही है. स्टीयरिंग को जैसे मैं छोड़ता था तो राइट साइड को स्टीयरिंग भागने लगती थी. जैसे आपको अगर ये चेक करना है कि आपके कार के टायर मेंटेन हैं, सही हैं, या अलाइनमेंट आउट है या नहीं आउट है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अलाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. अलाइनमेंट कैसे चेक करना है, कब चेक करना है और कहाँ पे चेक कराना है, ये चीज़ भी ज़रूरी है. तो दोस्तों, जो टायर होते हैं हमारे कार के, वो चार टायर होते हैं, पांचवा स्टेपनी होता है. और टायरों को हम कैसे पता करेंगे कि हमारा टायर सही है या अलाइनमेंट या टायर घिस तो नहीं रहा है? दोस्तों, जब हम टायर चेंज करवाते हैं या नए टायर, नई गाड़ी है, सपोज करो नई गाड़ी है, अभी आप आगे देखेंगे टायर चेंज हो रहे हैं गाड़ी के, ठीक है. और ये है सामने जेके टायर, ठीक है, स्टील व्हील्स, दबी इंटरप्राइजेस. ये विकास नगर चौराहे से थोड़ा सा जब आप इधर निषादगंज की तरफ चलेंगे तो लेफ्ट हैंड पे सादाब कॉलोनी के अपोजिट में, और बहुत अच्छे रेटों पे यहाँ टायर मिलते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के. और मैं ये भी बताऊंगा कि अलाइनमेंट किस किस पॉइंट पे होते हैं, इनका सेटअप कहाँ होता है, अलाइनमेंट किस चीज़ से होती है, क्या मैकेनिक की शॉप पे हो जाएगा या गैराज पे हो जाएगा. नहीं दोस्तों, तो अलाइनमेंट सबसे पहली चीज़, तो अलाइनमेंट कब ख़राब होता है दोस्तों? जब हमारी कार गड्ढों में ज़्यादा चली जाती है, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उसमें गाड़ी कूद जाती है तो अलाइनमेंट आउट हो जाता है. या हमारा टायर कहीं किसी डिवाइडर पर टकरा जाए तो अलाइनमेंट आउट हो जाता है. या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ वाला रोड, वहाँ पे आपने कार चला दी तो अलाइनमेंट आउट हो जाता है. तो अलाइनमेंट सही कैसे कराना और पता कैसे चलेगा कि अलाइनमेंट आउट है? दोस्तों, जब आप अपनी गाड़ी को 40 से 50 की स्पीड में प्लेन रोड पे, जैसे ये सामने देखो, ये प्लेन रोड है, ये एकदम प्लेन रोड है, एकदम सीधा, इस रोड पे अगर अपनी कार को 40 से 60 की स्पीड में आप छोड़ दोगे, स्टीयरिंग को, जो स्टीयरिंग व्हील है इसको प्रॉपर आपको छोड़ देना है. ये जो आपको दिख रहा है 3 और 9, ये व्हील, ये अगर जैसे स्टीयरिंग छोड़ते अगर ये राइट की तरफ भागने लग रहा है, ये अपने आप धीरे धीरे स्टीयरिंग राइट भागने लग रहा है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट, राइट साइड का जो टायर है वो बहुत ही जल्दी घिस जाएगा. फ्रंट वाला जो राइट साइड का टायर है वो बहुत जल्दी घिस जाएगा और जो लेफ्ट वाला वो नहीं घिसेगा, क्योंकि राइट साइड का अलाइनमेंट आउट है. हो सकता है आपका स्टीयरिंग आउट हो, या हो सकता है बैलेंसिंग राउट के बूस कट गए हों, या हो सकता है आपकी गाड़ी का शॉकर प्रॉब्लम कर रहा हो. इन चीज़ों से भी अलाइनमेंट आउट होता है. शॉकर से भी दिक्कत आती है और बाल एंड बैल जॉइंट जो होते हैं स्टीयरिंग के, उनसे भी दिक्कत आती है. अगर कैंची आपकी कटी है तो भी दिक्कत आएगी. तो स्टीयरिंग जैसे आप छोड़ेंगे, छोड़ते जैसे राइट भागने लगे, अपने आप ये धीरे धीरे राइट कटने लगेगा. और अगर ये सीधा जा रहा है, मान के चलो 50 से 100 मीटर सीधा सीधा जा रहा है, जरा सा भी लेफ्ट और राइट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ ऐसे धीरे धीरे स्टीयरिंग, ये धीरे धीरे ऐसे लेफ्ट भागने, स्टीयरिंग छोड़ते अगर जिस साइड वो भाग रहा है, लेफ्ट भाग रहा है तो लेफ्ट का अलाइनमेंट आउट है, राइट भाग रहा है तो राइट का अलाइनमेंट आउट है. अब उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप उसको चेक नहीं कराते हैं, चेक कहाँ कराना है? जैसे जो भी टायर का शोरूम हो, MRF का, JK का, अपोलो का या ब्रिस्टॉन का, इस ये सब टायर होते हैं ब्रांडेड, इनके शोरूम होते हैं, वहाँ पे एक सेटअप लगा होता है.
जिसपे अलाइनमेंट होता है, स्कैनर होता है कंप्यूटराइज, जिससे वो चारों व्हील को स्कैन कर लेता है कि आपके टायरों में कोई प्रॉब्लम है या सस्पेंशन में कोई दिक्कत है या अलाइनमेंट में कोई दिक्कत है या आपका व्हील बैलेंसिंग में दिक्कत है। ये सारी जानकारी यहाँ के जो टेक्नीशियन होते हैं, जो अलाइनमेंट सेटअप को पूरा मेंटेन करते हैं, जो यहाँ पे अलाइनमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो अभी मैं आपको अपनी कार को लेके चलूँगा सेटअप पे अलाइनमेंट के, और वहाँ पे फाइनली आपको पता चलेगा कि कार में दिक्कत क्या है और किस तरीके से अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 150 के आसपास चार्जेस होता, 200 या 150, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर व्हील बैलेंसिंग वगैरह आप कराते हैं तो उसका थोड़ा चार्ज ज़्यादा आता है, क्योंकि उस पर माल वाल रखते हैं वो लोग। और बाकी नॉर्मली इसका 150 से 200 रुपये इसका अलाइनमेंट का चार्ज होता है, और 150-200 रुपये के चक्कर में आप 10 से 15 हज़ार का नुकसान कर लेते हैं। करीब 3,500 से 4,000 रुपये का नॉर्मल टायर आता है। जो मेरी सेंट्रो का टायर है वो करीब मुझे लग रहा है 3,800 के आसपास एक टायर है, 3,700-3,800 रुपये का ब्रिजस्टोन का एक टायर है। तो अगर एक टायर घिस गया और अलाइनमेंट आउट होने के बाद, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप मुश्किल से 150 किलोमीटर गाड़ी चला लीजिए, आपका एक साइड का टायर पूरा गंजा हो जाएगा और उसके बाद वो फूल भी सकता है। और अगर आपके टायरों में कोई प्रॉब्लम है तो अलाइनमेंट सेटअप पे आपको पता चल जाएगा कि चारों टायर में से कौन सा टायर बेटर है, कौन सा टायर डैमेज है, कौन सा टायर फटने वाला है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाती हैं। तो अभी मैं अलाइनमेंट के सेटअप पे कार को लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरा नंबर आ चुका है। मैं पिछली 35-45 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ, और ये सेटअप है। यहाँ पे मैं आपको फाइनली दिखाऊँगा कि अलाइनमेंट कैसे होता है और कैसे पता चलेगा कि अलाइनमेंट आउट है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों फाइनली बुलावा मेरा आ चुका है, क्योंकि अगली गाड़ी निकल चुकी है, उसका अलाइनमेंट हो चुका है और मैं अब जा रहा हूँ अपनी कार को लेके, और यहीं से डन करूँगा। गाड़ी धीरे धीरे मैंने टर्न करनी स्टार्ट कर दी है। गाइस काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है पीछे से, आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत बिजी रोड है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बिजी रोड है, अगले बंदे ने गाड़ी फंसा दी, रेड वाली कार वाले ने, अब वो अपनी गाड़ी नहीं निकाल रहा है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी मेरी गाड़ी जा रही सेटअप है। ये फाइनली सेटअप है, आप देख सकते हैं। ये कंप्यूटराइज पूरा सेटअप है, दोस्तों ये फाइनली सेटअप आ गया है। ये है इसका सेटअप, और आप देख सकते हैं गाड़ी मेरी लग चुकी है फाइनली। और अभी ये स्कैनर लगाएंगे यहाँ पे, ये गाड़ी पूरी सेटअप पे लग चुकी है, और इनका ये पूरा सिस्टम है हाइड्रोलिक पे अभी लगा के। इस पर ये पहले इसको चेक करेंगे कंप्यूटराइज कि इसमें क्या इशू है गाड़ी में, कौन सा टायर गड़बड़ है या अलाइनमेंट आउट है कुछ। ये पूरा इनका सेटअप है, ये इसकी हाइड्रोलिक है, और इस पर अभी ये टायर को सेट कर रहे हैं ताकि पूरी तरीके से टायर का सेटअप ये
अभी सेंसर लगाने जा रहे हैं इसमें, अभी सेंसर लगाएंगे उसके बाद ही इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए अभी इन्होंने सेंसर लगाया, इसमें चार सेंसर होते हैं। देखो हवा कम है तो इनको पता चल गया कि हवा कम है। अभी पहले एयर डाल रहे हैं इसके अंदर और उसके बाद अभी सेंसर लगाएंगे, फिर पता चल जाएगा। ये अगर पंचर होगा तो पंचर बन जाएगा यहाँ पर, वाला ट्यूबलेस है तो एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। मुझे लग रहा है कि पंचर है शायद, यहाँ तक जिसमें आप हवा डाल रहे हो। और मैंने नहीं बताया कि आपकी गाड़ी खड़ी है, मैं एक घंटे से खड़ा हूँ। तो मैंने गाड़ी तो खड़ी देखी थी आपकी। दोस्तों ये सेंसर है, इससे क्या पता चलता है, ये जो आप लगा रहे हो अलाइनमेंट की रीडिंग बताता है, अलाइनमेंट की रीडिंग बताता है। ओके तो दोस्तों अभी इन्होंने फर्स्ट व्हील में लगा दिया है सेंसर। और कितने व्हील में लगाना होता है ये? फोर व्हील में। ओके तो अभी इन्होंने फर्स्ट व्हील में लगा दिया है। और दोस्तों इस छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता है कि टायर कब ख़राब हो गए हैं। और एक ये नॉर्मल आप किसी भी टायर की शॉप पे जाके इसको करा सकते हैं। कोई भी टायर का शोरूम जो होता है, जो ऑथराइज डीलर होते हैं, वो लोग ये मशीन रखते हैं, क्योंकि इसका पूरा सेटअप लगता है। आप देख रहे हैं ये पूरा कंप्यूटराइज पूरा सेटअप है। और अभी उसमें एयर कम है, फर्स्ट व्हील में भी कम थी और सेकंड व्हील में भी कम है। और ये प्रॉपर उसको फिल कर रहे हैं, उसके बाद ला रहा है। ये सेंसर है, इससे अलाइनमेंट की रीडिंग पता चलती है एक्चुअल में। और ये अभी इन्होंने सेंसर फिट कर दिया है। अभी लेफ्ट साइड राइट साइड के दोनों व्हील हो गए हैं, सेंसर लग गए हैं, ये देख रहे हैं आप। ये अभी फ्रंट व्हील में और लगा दिया इन्होंने। कितनी कितनी एयर कर रहे हैं आप इसमें? 35 ज़्यादा थी। वैसे मैं अपनी गाड़ी में 40 रखता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में हमेशा 4-5 लोग बैठे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टायर में हवा को नुकसान करती है ना, टायर सिकक है। ओके अभी इन्होंने फोर व्हील में इन्होंने सेंसर लगा दिया है। और अभी ये अपने लैपटॉप पे इसको फाइनली चेक करेंगे कि कौन से व्हील की रीडिंग आउट है, जिससे कि मेरी गाड़ी लहरा रही है। और हो सकता है जिस साइड लहरा रही थी उसी साइड का टायर ये जल्दी चट जाए। अभी जो इनका सेटअप है, ये इनका पूरा सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे। ये इन्होंने पूरा इस पर सिस्टम पे डाल दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने उसका नाम डाल दिया, होंडाई कंपनी का नाम होंडाई। और कार का नंबर फिल कर दिया है, एड्रेस में लखनऊ डाल दिया है इन्होंने, यूपी 32BF1793। कार का नंबर फिल कर दिया है। ये सेटअप है पूरा। और अभी ये इसका देख रहे नीचे, इसमें आउटर में जाके ये सेंसर वर्क करना स्टार्ट कर देगा।
सेंट्रल सिंह, इन्होंने उसमें सिस्टम पे अपने डाल दिया है। देखो सेंट्रो जिंग हुंडई, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे हुंडई सेंट्रो जिंग एसटीडी। ये क्या है ये एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड। ओके ओके ओके, अरे देख रहे पूरा सेंसर जो है, पूरे सेंसर जो ये लगे हुए हैं लेफ्ट और राइट में, इससे ये क्लियर कर रहा है यहाँ पे सिस्टम पे, इनके अपडेट कर रहा है पूरे सिस्टम पे, इनके अपडेट कर रहा है कि कौन सा टायर कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ये कौन सा टायर आपका कमज़ोर है या कौन सा टायर सही है। छोटी सी गलती से हम लापरवाही करते हैं और हमारे कार का अलाइनमेंट आउट हो जाता है और उसकी वजह से हम उसको कुछ जाके चेक नहीं कराते और बहुत कम समय में हमारे टायर ख़राब हो जाते हैं, या तो टायर फट जाता है गंजा होके, या तो टायर फूल जाता है कहीं से, या तो फिर धीरे 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 पूरी तरीके से टायर के तार निकल आते हैं। अभी इन्होंने सिस्टम पर अपने ऑन कर दिया और ये वहां से स्टीयरिंग को मूव कर रहे हैं लेफ्ट और राइट। टेक्नीशियन जो है वो कार के अंदर बैठा हुआ है और वो इसको टायर व्हील, आप देखेंगे तो टायर व्हील वो लेफ्ट और राइट कर रहा है, ये लेफ्ट और राइट। उससे ये पता चलता है कि टायरों का अलाइनमेंट क्या है और कहां पे प्रॉपर हो के अभी स्टॉप कर दिया अभी चुकी। घर गाँव गया है अपने रक्षाबंधन मनाने गया है। ये इन्होंने सेटअप, ये इनका सेटअप आ गया पूरा ओके की रिपोर्ट में। अभी इन्होंने स्टीयरिंग के उसमें लगा दिया है, इससे कि स्टीयरिंग व्हील पता चलेगा। ये क्या चीज़ किस लिए लगाते हैं आप? स्टीयरिंग लॉक रोकने के लिए, स्टीयरिंग को एक पीछे तक ढीला करेंगे। ओके तो ये घूमे ना, ये घूमे ना, ये स्टीयरिंग लॉक है। ओके तो इन्होंने अभी स्टीयरिंग लॉक लगा दिया है और अभी ये जा रहे हैं इसके नीचे यहाँ पे। यहाँ पे क्या सेटिंग करते हैं, क्या मैं देख सकता हूँ? ये भाई ये यहाँ पे ये कुछ सेटिंग करते हैं इसकी, ये देखिए ये यहाँ पे, हाँ अलाइनमेंट आउट है, बहुत बहुत आउट है अलाइनमेंट दोस्तों, आउट है। और इंजन ऑन है दोस्तों गाड़ी का, यहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं। कितना परसेंटेज आउट था अलाइनमेंट? तो है माइनस 12%, एक साइड है और
आइस का था, लेक साइड दोनों साइड का आउट था, दोनों साइड का बहुत ज़्यादा आउट था। 12-13 इससे क्या होता, इससे क्या होता, हमारे टायर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं जी, आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से। गाड़ी एक साइड खींचती है, खुद ही पता चल जाता है। हाँ, एक साइड गाड़ी खींच रही थी। हाँ, तो वो खुद ही पता चल जाता है। आपके पास टाई है? नहीं है। ये हमारा, ये देखो एक्सल का एक बूट वो हो गया, टाई मैं आपको दे देता हूँ, आप इसमें लगा दीजिएगा। उसको नीचे आने से एक चीज़ और कन्फर्म हो गया, आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक सा, ये इसका बूट का ऊपर की टाई ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इसके अंदर डस्ट जा सकता है। और अभी मुझे ये पता चला है कि इसकी जो क्लिप है वो ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बूट, जैसे इस साइड देखो वो टाई लगी हुई है। फरवरी भाई वहाँ से सेटअप आप अगर देखेंगे तो ये सेटअप पे शो कर रहा है, शो कर रहा है कि क्या सिचुएशन है इसकी। अभी मैंने इधर वाला स्टीयरिंग का बूट बदलवाया था, राइट साइड वाला, लेफ्ट था बूट बदलवाया था उसका, इधर का पहिया खुला था अभी। अरे भाई एक साइड हो जाओ, हो गया फाइनल। दोस्तों अभी इन्होंने अंदर से इसका सेटअप जो है वो सेट कर दिया है, ओके हो गया। ये देखो इसमें कैसे पता चलेगा कि फाइनल दोनों तरफ का बराबर अलाइनमेंट हो गया है, देखिए -1 दिखा रहा है, हाँ 4 दिखा रहा है, 9, इन तीनों के बीच में कहीं भी रोक सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये 4 और 3 है, एक साइड 4 एक साइड 3 है, हाँ इससे कोई दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेके 9 तक का किसी भी रीडिंग के बीच में रोक सकते हो आप। ओके, ठीक है, अभी ओके है जी। तो दोस्तों फाइनली ये हो चुकी है अलाइनमेंट इसकी, और अभी उसका बिल निकलेगा या इसी से पता चलेगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।